समूह आगे बढ़ रहा था और नए पाठ पढ़ रहा था। आगे बढ़ने से पहले कुछ खास बातें जिनका ध्यान रखना जरूरी है। ध्यान रखिए, एक्टिविटी लोन की पहली शर्त है रिवॉल्विंग फंड का बैंक को भुगतान। अगर समूह सही समय से रिवॉल्विंग फंड वापस करे तभी उसे एक्टिविटी लोन के काबिल समझा जाता है। बैंक अधिकारी, ब्लॉक अधिकारी और पंचायत मिलकर एक्टिविटी लोन तय करते हैं। समूह क्या काम करेगा ये भी तय किया जाता है। कागजी कार्यवाही पूरी की जाती है। समूह ये तय करता है कि समूह के कौन से प्रतिनिधि बैंक से बातचीत और लेन देन करेंगे, समूह कितने समय में किस तरह किन शर्तों पर ऋण वापस करेगा। ये सब बातें स्टैंप पेपर पे आ जाने के बाद समूह को एक्टिविटी लोन मिलता है। महात्मा गांधी नरेगा यानी मांगने पर 15 दिन में रोजगार, मेरा हक। मास्टर रोल पे नजर, अपने नाम काम और दाम की पूरी खबर। काम के बाद 15 दिन में पूरी मजदूरी, सीधा पोस्ट ऑफिस में या बैंक के खाते में। रोजगार गारंटी, जोरदार गारंटी। पहले ना बोलते थे, ना देखते थे, ना सुनते थे, चुपचाप सहते थे। महात्मा गांधी नरेगा के साथ शुरू हुआ ग्राम सभा द्वारा आयोजित सोशल ऑडिट यानी जनता का खुला मंच। अब हम पूछते हैं अपने काम और मजदूरी से जुड़े सवाल, देखते हैं सरकारी कागज, बिल, मस्टर रोल, और सुनते हैं जवाब अपने सवालों के। रोजगार गारंटी से जुड़ी हर शिकायत, हर सवाल पूछने का एक मंच, सोशल ऑडिट। महात्मा गांधी नरेगा में रोजगार के लिए आवेदन किसको? पंचायत को। गांव में काम करवाने की जिम्मेदारी किसकी? पंचायत की। गांव में कहां काम होगा, क्या काम होगा, ये तय कौन करेगा? ग्राम सभा। सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी किसकी? ग्राम सभा। मैं हूं इस गांव की सरपंच। रोजगार गारंटी से जुड़ी पंचायत और ग्राम सभा की जिम्मेदारियों को मैंने ठीक से समझा है, और आपने? माँ तेतुलघरा महिला मंडल अब तैयार था नई चुनौती के लिए। उसे तलाश थी नए मौकों की, मौके जो खुद दस्तक दे रहे थे। भिलाई पहाड़ी गांव में हालांकि खेती तो होती थी, लेकिन किसान खाद बाहर से खरीद कर लाते। इसी से विचार आया, समूह खाद बनाने का काम करे तो बहुत चलेगा। स्वयंसेवी संस्था प्रदान भी जैविक खाद के क्षेत्र में काम कर रही थी। इन्होंने भी समूह का समर्थन किया। स्वयंसेवी संस्था स्वयं भी अच्छी मात्रा में खाद खरीदने को तैयार हो गई। ये एक ऐसा काम था जिसमें भिलाई पहाड़ी गांव के सभी स्व सहायता समूह जुट गए और मिलकर चलने का ये आंदोलन बढ़ चला नई मंजिल की तरफ। ये मंजिल थी जैविक खाद बनाना और बेचना। सदस्यों के वर्मी कंपोस्ट के शेड बनने शुरू हुए और हर सदस्य ने 2 वर्मी कंपोस्ट पिट बनाए और उन्हें धूप और बारिश से बचाने के लिए ऊपर छावनी भी बनाई। अब सवाल था कि पिट में डालने के लिए गोबर कहां से आए, क्योंकि गांव में किसी के पास गाय या भैंस नहीं था, इसलिए गांव में गोबर भी नहीं था। बाहर गांव से गोबर ट्रैक्टर में लाद कर लाया गया। यहां के स्थानीय रेट के अनुसार एक ट्रैक्टर गोबर की कीमत 700 रुपए आई, लेकिन समूह के सदस्यों को भरोसा था कि वो इसकी कीमत आसानी से निकाल लेंगे। स्वयंसेवी संस्था प्रदान ने समूह के सदस्यों को खाद बनाने वाले केचुओं की पहली किश्त दी। सदस्यों को विस्तार से समझाया कि उन्हें खाद बनाने में किन किन बातों का ध्यान रखना है। सदस्यों ने हर बात को अच्छी तरह समझा और अपने काम में पूरी मेहनत से जुट गए। अब समूह के सदस्य नियमित रूप से वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि के अनुसार काम कर रहे थे, जैसे खाद में पानी देना और पानी ऐसे देना कि पानी एक जगह जमा ना हो, तरीके से पानी देने के बाद ढकना।
जैविक खाद करीब 60 से 70 दिन में तैयार होती है। खाद तैयार होने की पहचान ये है कि केचुए ऊपर आ जाते हैं। अब केचुओं को दूसरे पिट यानी टंकी में डाल दिया जाता है और बनी हुई खाद को छानना और छानकर खाद के बोरों में भरते जाना। मेहनत का ये काम चल निकला। समूह के सदस्यों के पास अब फालतू कामों के लिए समय नहीं था। क्या महिला क्या पुरुष, सभी इसी काम में व्यस्त थे। अब अक्सर शहर से व्यापारी आते और समूह द्वारा बनाई गई खाद गांव में आकर तलाशते और जितनी भी खाद मिलती हाथों हाथ खरीद लेते। पहली बिकी खाद की खेप से समूह के हर सदस्य को 2600 रुपए का फायदा हुआ और देखते ही देखते ये काम समूह के सदस्यों के लिए काफी फायदे का सौदा साबित हुआ। इसके साथ ही गरीब पिछड़ी हुई औरतें अपने परिवार अपने गांव की ताकत बन गईं। महिला लोग पे भी जितना भी दुख था अभी कुछ सुधार हुआ है। पहले से सभी महिला लोग भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आज माँ तेतुलघरा महिला मंडल अपने और आसपास के गांवों के लिए एक मिसाल बन चुका है और ये सब संभव हुआ इस समूह की एकजुटता, मेहनत और लग्न से। और इसका बहुत कुछ श्रेय जाता है समूह की मुखिया आशा महतो को। महिलाओं के लिए आशा महतो एक प्रेरणा बन चुकी है। आशा जीवन जीने की कला जिंदगी से मुकाबला करके सीखी है। पति का हर वक्त का साथ आशा को काफी बल देता है। आज उसके पास अपनी मेहनत से बनाया नया घर है और अपने दोनों बच्चों के भविष्य को लेकर भी आशा काफी उम्मीदों से भरी है। इन दोनों बच्चों को आशा एक अच्छे स्कूल में पढ़ाती है। माँ तेतुलघरा महिला मंडल की ही तरह आज इस इलाके में बहुत से स्व सहायता समूह बन गए हैं और सफलतापूर्वक चल रहे हैं। ये है उन समूहों का वार्षिक कार्यक्रम। पिछले साल क्या हुआ जो नहीं होना चाहिए था और अगले साल क्या होगा, इन सब पे चर्चा की जाती है जब ये समूह एक साथ बैठते हैं। साथ ही नए समूहों को ये नहीं लगता कि वो अकेले हैं, बल्कि वो पाते हैं कि वो एक बहुत बड़े परिवार का एक हिस्सा है। स्व सहायता समूहों की बदौलत यहाँ का हर जनमानस अपने और अपने क्षेत्र के विकास पर पूरा ध्यान दे पा रहा है। ये थी कहानी माँ तेतुलघरा महिला मंडल की। अगर ये समूह सफल हो सकता है, देश भर के लाखों समूह कामयाब हो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं। गरीबी के चक्र को तोड़ने के लिए कोशिश ये है कि देश के हर गांव में हर परिवार का कम से कम एक सदस्य स्व सहायता समूह से जरूर जुड़े। तो ये था आज का एक नया सवेरा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना या ग्रामीण विकास मंत्रालय की किसी भी योजना से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है एक नया सवेरा, पोस्ट बॉक्स 3136, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। तो अब दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, साथ में होगा एक नया सवेरा। नमस्कार।